इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीसरे T20 मुकाबले में रिंकू सिंह और SSV जायसवाल का आया तूफान। पूरी की पूरी पारी का लाइव हाईलाइट मुकाबला आप लोगों को दिखाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए कि कैसे रिंकू सिंह और SSV जायसवाल सूर्य कुमार यादव ने विस्फोटक बल्लेबाजी करके साउथ अफ्रीकी की टीम को उनके ही सरजमी पर जाकर के उनको ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी मैं आपको बता दूं कि T20 के दूसरे मुकाबले को जीत करके जो है साउथ अफ्रीकी के कप्तान काफ़ी ज़्यादा खुश थे और काफ़ी ज़्यादा बौखला भी उठे थे। आप सभी को बता दूं कि वो यही सोचते थे कि मैं तीसरा भी T20 का मुकाबला जीत लूंगा, लेकिन रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव SSV जायसवाल ने साबित कर दिया है कि भारतीय टीम से जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप सभी को बता दें कि यहां पर भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी रिंकू सिंह और SSV जायसवाल का लाइव हाईलाइट मुकाबला मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से इन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी के अंदाज में साउथ अफ्रीकी की टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और यहां पर टॉस किसने जीता, मैच कैसे शुरू हुआ, कितने बजे शुरू हुआ, वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आप सभी को बता दें कि साउथ अफ्रीका भारत के बीच जब टॉस चला गया तो साउथ अफ्रीका के कप्तान ने फिर एक बार टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुनी और गेंदबाजी का मौका भारतीय टीम को दिया। यहीं पर सबसे बड़ी साउथ अफ्रीका के कप्तान और टीम गलती कर गई। उन्होंने सोचा कि ये मुकाबला तो हम भारतीय टीम से आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती यही रही। आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए जो है मैदान में उतरी साउथ अफ्रीकी की टीम को पवेलियन का रास्ता फटाफट रविंद्र जडेजा और हर्षदीप ने दिखा दिया। आप सभी को बता दूं कि दो दिग्गज खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के ऐसे थे जो टिके रहे और मैदान से हटे ही नहीं, उनको आउट करना मुश्किल पड़ गया भारतीय टीम को। लेकिन फिर लास्ट 15वें ओवर में उनको कैच आउट का सामना करा दिया हर्षदीप सिंह ने। आप सभी को बता दूं कि जो है दिग्गज साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी डटे रहे मैदान पर और काफी ज्यादा रन ठोक डाले, जहां पर भारत के खिलाड़ियों के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बन गया। जहां पर मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका की टीम 216 रन बना रखी थी और जीत के लिए भारत को 217 रन की जरूरत थी। अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ और SSV जायसवाल श्रेयस अय्यर जैसे दिग्गज खिलाड़ी वहां पर मैदान में उतरे, जहां पर उन्होंने काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की लेकिन कोई ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। भारतीय टीम के 8 ओवर में 4 विकेट चले गए। SSV जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर और लगभग सुमन गिल के भी जो है विकेट चले गए, जहां पर काफी तगड़ी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे खिलाड़ी। इन लोगों के 4 विकेट चले गए जी हां 8 ओवर के अंदर, जहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। अब भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी जो है वो रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव रहे, भारतीय टीम को काफी करारी जीत मिली। आप सभी को बिल्कुल लाइव हाईलाइट मुकाबला दिखाएंगे कि किस तरीके से विस्फोटक बल्लेबाजी करने के बाद जो है रिंकू सिंह और SSV जायसवाल सूर्य कुमार यादव को लेकर के जो कहा है महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, उसको सुनने के बाद आप भी एक बार चौंक जाएंगे। और हार के बाद बाबुम्बा ने भावुक होकर के जो बयान दिया है भारत के खिलाड़ियों को लेकर के, उसको भी आप सुनिएगा। मैं आपको बता दूं कि रिंकू सिंह ने 51 गेंदों में 80 रन ठोक डाले, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने 40 गेंदें खेली और उन्होंने लगभग 85 रन बनाए, जहां पर भारतीय टीम का स्कोर काफी हाई लेवल पर पहुंच गया। अब जीत के लिए एक ओवर में 21 रन चाहिए थे। आप सभी को बता दूं कि 6 गेंद पर 21 रन चाहिए थे भारतीय टीम को जीतने के लिए। और स्ट्राइक पर थे रिंकू सिंह, जहां पर हर किसी को ऐसा ही लग रहा था कि अब जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी दिग्गज बॉलर बॉलिंग कर रहे थे और एक तरफ हमारे रिंकू भैया थे जो मैदान पर टिके हुए थे। लेकिन हर किसी को ऐसा ही लग रहा था कि मुकाबला जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि 2 गेंदें ऐसे ही खाली रह गई थी और 4 गेंद पर 4 छक्के जड़ रहे थे, तभी भारतीय टीम को जीत मिल सकती थी। और 4 गेंद पर पहली गेंद पर छक्का लगा दिया, दूसरी गेंद पर चौका लग गया, लेकिन अब जो है 3 बॉल पर 3 छक्के चाहिए थे, जहां पर भारतीय को हर हाल में T20 का तीसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ जीतना था, जहां पर रिंकू सिंह ने हर एक बॉल पर 3 छक्के लगा दिया, जहां पर हर किसी को ऐसा ही लग रहा था कि कोई सपना देख रहा हूं। मैं आप सभी को बता दूं रिंकू सिंह की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर साउथ अफ्रीका की टीम हिल गई और जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया उनके सरजमी पर और ये बता दिया कि हम भारतीय हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं। आप सभी को बता दूं कि दूसरा T20 का मुकाबला जीतकर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी और कप्तान काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन उसको खुशियां मौसम मातम में बदल गई। रिंकू सिंह ने काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की, जहां पर हर किसी को जो है काफी डरा दिया। अब साउथ अफ्रीका के पवेलियन को रास्ता दिखा दिया और चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव आप किसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से अभी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।